नमस्कार, मी रश्मी। आपण पाहत आहात जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। चामुंडा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमधील जैन जोडप्याने एक नवा आदर्श लोकांपुढे ठेवलाय। त्यांनी मॅरेथॉनद्वारे आपल्या लग्नाचा वाढदिवस साजरा करीत टाटा हॉस्पिटलमधील कॅन्सरग्रस्त मुलांकरिता आर्थिक मदतीचा हात पुढे केलाय। नवीन जैन आणि रीन जैन या जोडप्याने हा अनोखा उपक्रम राबवून सामाजिक बांधिलकी जपलीय। गोरेगाव पश्चिमेतील चामुंडा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीत राहणारे हेच ते जैन जोडपे, नवीन जैन आणि रीन जैन, ज्यांनी आपला लग्नाचा वाढदिवस एका अगळ्या वेगळ्या पद्धतीने साजरा केला। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमधील कॅन्सरग्रस्त मुलांसाठी काम करणाऱ्या लिटिल एंजल फाउंडेशनला आर्थिक मदत करण्याकरिता त्यांनी मॅरेथॉनचे आयोजन केले होते, ज्यामध्ये सोसायटीमधील 200 लोकांनी आपला सहभाग नोंदवला। एनिवर्सरी, आज हमारी 17वीं एनिवर्सरी है और मैराथन का निमित्त हमारा लोगों की सेवा करना है। हम छोटे बच्चों के लिए, कैंसर के बच्चों के लिए इस मैराथन के द्वारा कुछ फंड इकट्ठा करेंगे और ये हमारी चामुंडा सोसाइटी है, 80 फ्लैट की एक ही परिवार है जो 80 फ्लैट की सोसाइटी है पूरी, और वो सारे के सारे बिल्डिंग वाले यहाँ पर हमारा साथ देते हैं इस मैराथन में, और एक अच्छे लेवल पे इस मैराथन को करके कुछ अच्छा कॉज कर रहे हैं। और ये सारा पैसा जो हम इकट्ठा करेंगे वो कैंसर एड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के कैंसर के बच्चों के लिए हम डोनेट करेंगे, जो कि 26 जनवरी को होगा। ये हमारा मैराथन करने का महिला का एक उद्देश्य था करके कि इसके थ्रू हम एक महिला को, हम हमेशा पार्टीज और इसमें अपना एनिवर्सरी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मैराथन है जिसमें हमारी सारी ओल्ड एज और स्पेशली लेडीज़, हमारी बिल्डिंग की सारी लेडीज़ इसमें बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करती है हम सब, और हमको सही खुशी इसी में मिलती है इन सबको हंसते खेलते देख के और सबको इंजॉय करते, एक फैमिली, एक गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं इन सब चीज़ों को लेके, और हमारी बिल्डिंग के लोग ही हमारे लिए एक फैमिली मेंबर है करके। चामुंडा सोसायटी मधील सर्वच लोक हे गरजूंना मदत करण्यासाठी सदैव तत्पर असतात, यासाठी त्यांनी 5 वर्षांपूर्वी चामुंडा ग्रुपची स्थापना केली, ज्याद्वारे गरजूंना अन्न, औषध तसेच उपचारासाठी देखील मदत केली जाते। त्यांनी ही जैन जोडप्याने कॅन्सरग्रस्त मुलांकरिता राबवलेल्या उपक्रमाची प्रशंसा केली। 3 वर्षापासून आम्ही करतात, याच दिवशी बहुतेक करतात, आणि नवीन रिंकू मॅडमचा जे वाढदिवस असतात त्यामुळे त्यांनी ठेवलेलेच आहे, आणि काही ना काही बहुतेक सांस्कृतिक कार्यक्रम तसं आमच्याकडे चालतात चामुंडा जोडमध्ये। यानंतर आम्ही क्रिकेटचं टुर्नामेंट ठेवलेला आहे, पूर्वी पुरुषांचं असतात, नंतर लेडीजचं असतात, नंतर 26 जानेवारी झाला, ते काही ना काही एकापासून एकानं काही ना काही चाललं आमच्यासाठी, पण लोकांसाठी काय कुणाला मदत हवं, आता या आता मॅरेथॉन केला त्याच्यामध्ये लहान कॅन्सरचं लहान मुलांचं टाटा हॉस्पिटलमध्ये जे मदत होऊ शकतं त्या मदतासाठी हे केलेलं आहे आम्ही लोकांनी। एक हा अगदी हा सोशल इव्हेंट आहे, दुसरं म्हणजे हा दरवर्षी ऑर्गनाईज केला जातो, नवीन हा ऑर्गनायझर आहे आमचा, आणि एक हेल्थ अवेअरनेस म्हणून हा इव्हेंट ऑर्गनाईज केला गेलेला आहे, आणि सगळे या वतीने एक संडेला या विंटरमध्ये गोळा होतात आणि एक मॅरेथॉनमध्ये 3-3.5 किलोमीटरच्या पार्टिसिपेट करतात, लहान ते मोठे। इट्स अ व्हेरी गुड इव्हेंट, एव्हरीबडी शूड पार्टिसिपेट। थँक्यू। हे खूप चांगले आहे, जे पण करतात ते खूप चांगलं आहे,
पाहून दुसऱ्यांनी पण ह्याच्यासाठी काही प्रेरणा घ्यावी आणि आपण पण असं काही करावं. प्रशंसा तो करने लायक है. इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर एवरीबडी इन द बिल्डिंग के मैराथन क्या है. सब बूढ़े बच्चे सब आ जाते हैं यहाँ पे और वो भागते वो जो एंथुजियाज्म रहता है जो वो सब देखने को मजा आता है. और मैं जीती भी हूँ तो आई एम सो हैप्पी. बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज था और मज़ा भी आया सबको. थैंक यू. इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की सोसाइटी और आगे जागरूक होनी चाहिए जिस तरह से लोगों को हेल्प मिल सके. एक कॉज है जिसके हिसाब से सबको मिलजुल के काम करना है. बहुत अच्छा है. इसे मतलब लोगों को बहुत उत्सुक मिलता है और काफ़ी एंथू होता है. बच्चे छोटे से लेके बड़े लोग इवन एज वाले बड़े लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये. यस ऑफकोर्स होने चाहिए. इससे बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं. सबसे अच्छा उनके लिए बेनिफिट है. नवीन जैन आणि रीन जैन यांनी आपल्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त मॅरेथॉन बरोबरच कॅन्सर तसेच अन्य आजारांबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी याकरिता चित्रकला स्पर्धेचेही आयोजन केले होते, ज्यामध्ये सोसायटीतील महिला आणि लहान मुलांनी आरोग्यविषयक विविध चित्र काढून आपला सहभाग नोंदवला. इसके पीछे हम हमारी लेडीज की एक्टिविटी देख रहे थे कि ये लोग सब सोशल कॉज को भी लेके एक लेडीज होके भी सोशल कॉज को लेके काफ़ी अलग है. उन सबको इन बीमारियों के बारे में पता है और उसका क्या सलूशन उसको हम किस तरह कर सकते हैं यहाँ की हर एक लेडीज़ को पता है. तो ये इसके थ्रू हमको पता चल रहा है कि हमारी लेडीज सिर्फ घर के काम में नहीं बाकी सब चीज़ों में काफ़ी एक्टिव है. करके उनको काफ़ी सब चीज़ों का नॉलेज और इसको बहुत अच्छे से उन्होंने दो दिन में ही तैयार किया है. ये उनका स्पिरिट है. हम उनको हेल्प ऑफ करते हैं. हमने एक मैराथन के द्वारा एक थीम रखा था राइट समथिंग अबाउट क्रॉनिक डिजीजेस. तो हमारे बिल्डिंग के बच्चों ने और लेडीज़ ने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं. सभी ने अपनी तरह से किसी ने कैंसर के ऊपर किसी ने अस्थमा के ऊपर कई बच्चों ने तो अपने फादर्स को मैसेज देने के लिए लिखा है कि प्लीज़ डू नॉट स्मोक उससे क्या आपको हानिकारक हो सकता है. तो इसी तरह से सारे बच्चे और लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और एक कॉम्पिटिशन द्वारा पूरा एक पोस्टर्स बनाए गए जिनके प्राइजेस हम अभी डिफाइन करेंगे. कैमरामैन किशोर सह सुरेश पाटील जनादेश वृत्तवाहिनी करिता. आपल्या भागात कोणतीही अनुचित घटना घडली असल्यास अथवा कोणतीही समस्या असल्यास आम्हाला जरूर कळवा. आम्ही ते आमच्या वृत्तवाहिनीवर सर्व प्रदर्शित करू. आमचा पत्ता 197 लाखी आऊट स्टेशन रोड कोवंडी पूर्व मुंबई 400088. आमचा दूरध्वनी क्रमांक 6533121 किंवा 9322860153. तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी. पुन्हा भेटूया याच वेळी याच ठिकाणी. आपली बातमी आपली वाहिनी. पाहत रहा जनादेश वृत्तवाहिनी. नमस्कार.